हेलो स्टूडेंट्स, मैं गगनदीप शर्मा, थोड़ी पंजाबी टीचर। बच्चों, अज असी कहानी रिवाइज कर रहे हैं माँ दा लाडला। हालांकि ये कहानी जिहड़ी है असी पहला अपने वीडियो सैशन दे राही ते जूम सैशन दे राही कर चुके हैं, पर बोर्ड ने अपने पेपर पैटर्न दे विच कुछ तब्दीलियां कीतियां ने, जिन्हां दे विच उन्हां ने लोंग क्वेश्चन की बजाय सैंपल पेपर ऑफलाइन बच्चों क्लास दे विच मैं सॉल्व करवाया है। तो अगे असी करते होंगे सी विशा वस्तु, सिरलेख, पात्र सारी, पर इस वारी उन्होंने इन्हां दी थां ते छोटे क्वेश्चन जिहड़े है दो दो नंबर वाले ते तीन तीन नंबर वाले इंट्रोड्यूस किए ने, सैवन सैवन मार्क्स की थां ते उहदे विच उन्होंने अभ्यास के प्रश्न जिहड़े ने उन्हां नूं जगह दित्ती है। तो बच्चों, कहानी का विशा वस्तु सिरलेख वगैरह असीं पहलां भी कर चुके हैं, तो अज असीं सिर्फ अभ्यास के प्रश्न जिहड़े है वह इस वीडियो सैशन के रिवाइज करांगे। तो सब तो पहला तुसी देख रहे होंगे चरित्र चित्रण है बचनों का, जो कि जीते की माँ है। तो ये असीं पहला भी कर चुके हैं वैसे, पर मैं चलो इस स्लाइड के विच है तो थोड़ा जिहा रिपीट करवा दिंदी हां तुहानू। जीते की माँ बचनों इस कहानी के विच एक कमज़ोर पात्र है, जिहड़ी कि ममता दे नाल भरी हुई है ते इस करके वह अपने बच्चे नूं विगाड़ भी लैंदी है। हालांकि वह अपने पति तो डरती है, उहदे अगे उच्चा साह नहीं कढ़दी हैगी, पर अपने बच्चे दियां गलतियां उहदे तों लुकाउंदी है। जीते दियां गलतियां उस तों लुकाउंदी है, जिस करके प्यो दी सख्ती जिहड़ी जीते नूं उस उम्र दे विच चाहीदी सी उहनूं नहीं मिलदी ते उह विगड़ जांदा है, क्लासां तों भज्जण लगदा है, स्कूल बंक करके बाहर खेड खुड के मुड़े आउंदा है, लड़ाइयां झगड़े करदा है, फिल्मां देखण जांदा है ते चोरी दी आदत वी उहनूं पै जांदी है। तो किते ना किते सारे पासे लई बचनों जिम्मेवार है। पुत्तर मौत नाल भरी हुई है, पति तों दुखी है ते पुत्तर नूं विगाड़न विच काफ़ी हद तक उहदा कोई माँ नहीं चाहती कि वह बच्चा विगड़े, पर कितना ना कितने वो कमज़ोर सुभाग करके वह बच्चा जोड़ा है विगड़ जाता, कितना ना कितने वह हाथ है। तो बच्चों, लोंग क्वेश्चन जो सैवन मार्क्स आता से चरित्र चित्रण जो नहीं भी आता, तो यह प्रश्न इस तरह आ सकता है कि बचनों के शख्सियत किस तरह की सी, बचनों के बारे लिखो। तो फिर असं अलग अलग पॉइंट्स बनाने की बजाय जिवें तुहानू शुरू तो दस्या जा रहा है कि जान पछाण लिखोगे, उस तो बाद अलग अलग पॉइंट्स बनाओगे, असी कुछ चार पाँच लाइनों के जिन्हें शब्द उन्होंने दसे है उन्होंदियां चरित्र दियां विशेषतावां जिहड़ियां लिख दांगे। ठीक है बच्चों, उस तों बाद अभ्यास दे प्रश्न दे विच पहला है माँ दा लाडला कहानी विच जीते नूं बच्चा पलटन विच, पलटन हुंदी है फौज, बच्चों की फौज विच भर्ती क्यों करवाया गया, लाइक NCC वगैरह। तो इस कहानी विच जीते नूं बच्चा पलटन विच इस करके भर्ती करवाया गया क्योंकि वह मापिआं दे कंट्रोल तों बाहर हो गया सी, वह स्कूलों भी गैर हाज़र रहिंदा सी ते बेरियां हेठ रोटी खा के परत आउंदा सी, मार कुटाई भी करदा सी, उहदे उलांभे आउंदे सीगे ते आने बहाने घरों पैसे मंग के फिल्मां देखण चला जांदा सी। तो ये कुछ कारण ने जिहड़े इन्हां ने इस आंसर दे विच दित्ते होए ने, और बिल्कुल यही वजह सी उहदा पिता उस तों इन्ना दुखी हो गया सी कि जदों चोरियां करके फिल्मां देखण लग जांदा है तो उह कहिंदा भी सीरियां दे बच्चिआं नूं इह जिहड़े सिनेमे आ नहीं भुगदे हैगे। तो किसी भी तरीके जदों उन्हें लगता कि वह जीते नूं सुधारन विच कामयाब नहीं है तो फिर वह उस नूं घर तो दूर बच्चा पलटन विच भर्ती करवा आता है। तो बच्चों, उस तो बाद है जीते दे बच्चा पलटन विच भर्ती होने तो एक रात पहला जिहड़ी घटना वापरी उन्हें अपने शब्दों च लिखो। तो बच्चों, इतों रीड करन की बजाय मैं तुहानूं अपने शब्दों में दसदी हाँ कि जीते की माँ, जिवें कि असीं पहले ही दस्या कि ममता नाल भरपूर है तो कमज़ोर है सुभा दी, तो जो उन्हें पता लगता है कि जीता उस तो दूर जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो वह रात को उठ के अपने बच्चे नाल सौ जाती है। दिनेश ने नहीं वो नाल मोह प्यार जताउंदी कि उहदा पति उन्हें गुस्से होएगा कि तू अपनी इस ममता परे सुभा करके अपनी इस ढिल करके अपने इस लाड़ प्यार नाल बच्चे नूं विगाड़ दिता। वह अक्सर कहिंदा भी है कि तेरे बहुते लाड़ प्यार ने जीते नूं विगाड़िया है, इस करके दिन की बजाय वह रात नूं उहदे नाल चुपचाप जाके सौ जाती है तो रोंदी रहिंदी है कि थोड़े दिन रह गए मेरा बेटा मेरे तो दूर चला जाएगा। तो एक रात पहलां दी घटना की है कि वह आखिरी रात हुंदी है जीते दी अपने घर, तो जीते नूं थोड़ा जिहा अहसास हुंदा किसी दे होण दा ते उह चोर चोर करके रौला पा दिंदा। तो फिर उहदी माँ एकदम डर के उहनूं चुप करवाउंदी है कि चोर नहीं आ मैं आ ते तू चुपचाप सो जा, ते उहदियां अक्खां च अथरू हुंदे ने, रो पैंदी है। तो उस टाइम जीते नूं अहसास हुंदा कि उहदी माँ भावें उहनूं दूर भेज रही है पर वह उहदे नाल किन्ना प्यार करदी है। नैक्सट है बच्चों, जीते प्रति उसकी माँ का व्यवहार किहो जिहा सी, पहलां भी असीं डिस्कस कर चुके हां कि बहुत ही मोह भरिया सी, भावें उह हर रोज़ उलांभे लिआउंदा सी, कुटमार करदा सी, स्कूल दे विच पढ़ाई च उहदा मन नहीं सी लगदा, उहदा प्यो भी उह तों बहुत सत्या होया सी,
पर माँ की ममता ही हुंदी है, वह कदे भी उहदे नाल सख्ती नहीं वरतदी हैगी। तो उहदे जाण तो बाद उहदी गैर हाजिरी भी बड़ी शिद्दत नाल महसूस करती है। उहनूं लगता है बाहर कोई भी आवाज़ पैंदी है तो उहनूं लगता है कि जीते नाल खेडण वाले बच्चे आए हैं, उहनूं बुलाउण वास्ते आए ने। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੰਮੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਖਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚਨ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਜੀਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਤਾ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਕੰਮੋ ਜੀਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੰਮੋ ਜੀਤੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਤੇ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੀਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜੀਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਚਨੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਜੀਤਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤਾ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕੰਮ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਲੜਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਟਾ ਜਿੱਤੇ ਵਾਂਗ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਬਚਿੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, 7-7 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਸਿਰਲੇਖ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਬਦਲਿਆ, ਕਲਾਸਿਸ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, CBSE ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਜ਼ੂਮ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਸਟੇ ਹੋਮ, ਸਟੇ ਸੇਫ। ਥੈਂਕ ਯੂ।